हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी सीता जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं रात का बचा हुआ आटा से रोटी बेल के आज पास्ता बनाएंगे। ये पेन के सहारे मैं लपेट रही हूँ, हल्का हल्का इस तरह रोल करके। आप सारे रोटी बना लीजिए। हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना। बहुत अच्छा बनता है पास्ता इस तरह। देखिए कितना आसानी से निकल गया। ये सारे रोल बना करके तैयार कर दिए। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। पानी रखे थे कढ़ाई में, इसमें सारे ऐड कर दिए। गर्म पानी होना चाहिए, एकदम उबला हुआ। उसमें धीरे धीरे आँच पर पकाना है, थोड़ा सा ढक के पका दो। उबल गया, अच्छी तरह से पक गया है। अब इसको निकालेंगे। हमारे वीडियो आप अंत तक देखते रहिए, बहुत हेल्दी होता है, बहुत टेस्टी भी बनता है। ये सारी मैं धीरे धीरे इसको निकाल रहे हैं, सब निकाल दिए। देखिए अब ठंडा होने के लिए रख दिए। देखिए कितना अच्छा कट हो रहा है ठंडा होने के बाद। इस तरह सारे काट लेंगे। काट करके सारे तैयार कर दिए। ये कितना अच्छा बना हुआ है। आप भी इस तरह ट्राई कीजिए। बची हुई आटा को फेंकिए मत। कढ़ाई रख दिए, एक चम्मच जीरा इसमें ऐड कर दिए हैं। प्याज चॉप करके रखे थे, काट करके एक प्याज। अब इसमें अच्छी तरह से थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दिए। इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, हल्का हल्का। आधी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिए, तो हल्का धनिया पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब भी इस तरह बना करके बच्चों को खिलाइए। दो टमाटर काट करके ऐड कर दिए। ये भी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे इसको। थोड़ी सा लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर दिए, हरी मिर्च नहीं डाले हैं। मैगी मसाला डालूंगी, पास्ता मसाला नहीं है मेरे पास। आज मैगी मसाला डाल करके बनाऊंगी, बहुत टेस्टी लगता है। कि मसाला सारे पक गया है। अब इसमें सारे रोटी ऐड कर दिए जो बनाए थे। थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए ढक के पकाए। कितना अच्छा लुक बढ़िया आया हुआ है। अब इसमें मक्की उबाल कर रखे थे, ऐड कर दिए। बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी भी बहुत है, हेल्दी भी होता है। आप भी बनाइए, खाइए, बच्चों को खिलाइए। धन्यवाद।